हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एटीएम नेटवर्क्स। क्या होता है एटीएम नेटवर्क्स, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंप्यूटर नेटवर्क। सो बेसिकली कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले, अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू एटीएम, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ATM stand for asynchronous transfer mode was an attempt by telephone companies to design a network architecture that could efficiently transport both voice and data. Okay, सबसे important चीज जो है यहाँ पे, तो network का जो specification है वो generate करने का बहुत बड़ा, जिसको हम बोलेंगे कि एप्लीकेशन है, वो है वॉइस एंड डेटा ट्रांसफ़र। कोई वॉइस मैसेज या फिर डेटा मैसेज हमें ट्रांसफ़र करना है वन कंप्यूटर सिस्टम से अनदर कंप्यूटर सिस्टम तक, वन कंप्यूटर नेटवर्क से अनदर कंप्यूटर नेटवर्क तक, तो इन सब में एक ट्रांसफ़र मोड होना चाहिए जिसके ज़रिए हम एक नेटवर्क से इजीली दूसरे नेटवर्क में इंटर हो सके, वहाँ का एड्रेस फाइंड आउट कर सके और वहाँ के जो एप्रोप्रिएट सिस्टम से जो भी मुझे रिस्पांस या रिक्वेस्ट भेजनी है या फिर डाउन करनी है, तो उसके लिए नेटवर्क का असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, वो चाहे फिर वॉइस फॉर्म में हो या फिर डेटा फॉर्म में हो, उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे थ्रू द असिंक्रोनस मोड। तो ये बेसिकली एटीएम का यूज हुआ। इट यूज स्मॉल पैकेट्स टू मिनिमाइज क्वीन डिले एंड वर्चुअल सर्किट्स टू सिंप्लीफाई द डिजाइन ऑफ हाई स्पीड पैकेट स्विचिंग। ओके, हमारे पास जितना भी डेटा अवेलेबल है वो डेटा के n नंबर ऑफ पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स हम जनरेट करते हैं, क्योंकि जितना स्मॉल पैकेट्स रहा वो इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम एंड वन नेटवर्क टू अनदर वन नेटवर्क। ओके, सो इट्स अ स्पेसिफिकेशन रिलेटेड टू सेंडिंग द पैकेट्स सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ मिनिमाइजिंग द क्यूइंग डिले एंड वर्चुअल सर्किट विल बी अ सिंप्लीफाइड दैट डिजाइन एंड प्रोवाइड अ स्पेसिफाइड स्पीड हाई स्पीड पैकेट्स टू स्विच फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। It's an important role performed by the ATM. We will study ATM because it is still used for routing packets in ADSL access network, and the concept of virtual circuit is still used by an IP specific protocol. Basically the important information studying to the ATM are still used for routing packets. N number of computer systems we are accepting the higher level of speed with the help of N number of network specification and through the LAP connections and etc. Okay, so that network will be accessing only possible through the ATM sequence. Okay, because they are minimize the queuing delay and high speed packet switching. It's an important role performed by the ATM. So that's why the concept of virtual circuit is still used by an a specific IP protocols also, IP address also. That IP address should be configured with the help of network and easily transfer the data, which is data available into the both of concept wise and actually a text data also. Okay, so transferring mode of the one network to another network, it is a basically perform the n number of tasks over here to sending the some small packets with the help of router, and with the help of this small packets they are easily access the higher speed for the switching of packets, and it's a major role performed by the ATM. It's a basic information regarding to the ATM. Asynchronously mode pe ye kaam karta hai. अब असिंक्रोनसली मोड पे काम करता है, मतलब जैसे भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, आपके कंप्यूटर से आपको कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करनी है सेंडर टू रिसीवर साइड, तो उसके लिए हमने देखे है कि अब तक
जो भी नेटवर्क का स्पेसिफिकेशन रहता है, जो कि हार्डवेयर पेरिफेरल्स से, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है, उनके जो लिंकिंग है इन बिटवीन देम, नेटवर्क की स्विचिंग है, वहाँ पे राउटर की स्विचिंग है, तो एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर अवेलेबल ओवर हियर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स दे आर स्विच असिंक्रोनसली ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अ नेटवर्क एंड नेटवर्क टू अनदर वन नेटवर्क एंड ईजिली टारगेटेड सिस्टम टू कैच दैट इंफॉर्मेशन. सो द A data will be a continuously perform, a continuously sending the information, continuously accepting the information with the help of network, so that the specification of data are available into the your sector or your computer system. The data should be a growing up to the uploading stage or a downloading stage. Then the data will be sending and receiving that time. The computer will be manage a network specification, and that network specification is an important concept for the hiring the speed, well transferring the data, switching packets into the particular router conditions, and then only the possibilities is completed through the application of ATM. It's a basic important things over related to ATM components. नाउ अब ये जो नेटवर्क हम एटीएम जो हम यूज कर रहे हैं तो उसका एक डिजाइन गोल रहेगा. क्यों हम ये एटीएम यूज कर रहे हैं? व्हाई इट इज नीड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिस्टम इनटू द ट्रांसमिशन सिस्टम इज द हायर रेट ऑफ द डेटा लेवल. ट्रांसमिशन रेट इज रिक्वायर्ड फॉर द हायर लेवल एंड एन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ओवर हियर. सो हाउ इट इज पॉसिबल एंड हाउ टू डिजाइन एंड what is the requirement of design. So overall the concept of design goals they should be introduced why the ATM are used. Okay, it's design goal. The need of transmission system to optimize the use of high data rate transmission media in a particular optical fiber. जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि वट एवर जो जो डेटा की नीड इन टू द करंट सिचुएशन में हमें लग रही है, जो इंटरनेट का इतना सारा क्या बोलते हैं हम उसको, ये कि एरिया कैप्चर किया हुआ है, तो उसमें हम जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हायर स्पीड वाला नेटवर्क पे प्रेफरेंस रहता है. तो जो हायर स्पीड की डेटा है, जो हायर स्पीड ऑफ डेटा है, वो किस तरह से हमें मिल सकता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर ऑप्टिकल फाइबर का जो नेटवर्क है वो वहाँ पे ट्रांसमिटिंग रेट का वहाँ पे काम करेगा. तो जैसे ही ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे वर्क करता है तो हाई स्पीडली डेटा रेट हमें मिलता है. तो इसके लिए हमें असिंक्रोनस मोड पे वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स को वर्क करना पड़ता है. एक बेसिक गोल हुआ. सेकेंड, द सिस्टम मस्ट इंटरफेस विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड प्रोवाइड वाइड एरिया इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन देम विदाउट लोअरिंग देयर इफेक्टिवनेस और रिक्वायरिंग देयर रिप्लेसमेंट. ए बेसिकल फंडा जो है डिजाइन गोल का, यहाँ पे हम बहुत सारा चीज यहाँ पे समझ सकते हैं कि वट एवर द सिस्टम मस्ट इंटरफेस विद एग्जिस्टिंग सिस्टम. जो एग्जिस्टिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है उसका इंटरफेस हमें अनदर वन नेटवर्क के साथ इंटरेक्ट करना है एंड प्रोवाइड करना है उसके पर्टिकुलर इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द इज आवर नेटवर्क्स एंड देयर नेटवर्क्स एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी आर लोअरिंग देयर इफेक्टिवनेस और रिक्वायरिंग देयर रिप्लेसमेंट्स. जो पुराना नेटवर्क है, जो पहले का नेटवर्क है, वहाँ पे हम किस तरह से रिप्लेसमेंट करेंगे, तो हमें एक स्पीड बैकअप डेटा वहाँ से मिलेगा. इजिली ट्रांसफरिंग रेट का वो पर्टिकुलर जो डेटा होगा वो वहाँ से मुझे मिल सकता है. तो इन द वर्डेस्ट आ नेटवर्क फैसिलिटी दे शुड बी अ प्रॉपर इंस्टॉलेड. So, how it's become a possibilities for the a new concept of networking to install over there and to catch the information with the help of their application. It's a replacing one. Okay, तो replacement जो भी होगा lowering concept से तो वो भी वहाँ पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमें ATM design करना है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे लगेगी मुझे कि ये पहले वाला जो नेटवर्क है वो किस तरह से मुझे स्पीड देता है, वो किस तरह से डेटा ट्रांसफर रेट है उसका, किस तरह से उसका डिज़ाइन गोल है. अब हम ATM में वहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो व्हाट शुड बी देयर रिक्वायरमेंट फॉर देयर एंड द सर्विसेज विल बी प्रोवाइड इन अ स्पेसिफिकली ATM. सो ये भी एक उसका एक गोल हुआ. देन
The design must be implemented expensively so that cost would not be barrier to adoption. अब सबसे